बीएड का एडिशनल पेपर आप देना चाहते हो, फिर वही क्वेश्चन है कि आपने बीएड कहां से की है, सेमेस्टर सिस्टम में की है या एनुअल सिस्टम में की है। दूसरा है कि आप जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट के लिए पेपर देना चाहते हो उसकी एलिजिबिलिटी बन गई है, सबसे पहले ये पॉइंट है, उसके बाद दूसरे सारे पॉइंट आएंगे। हमने पिछले वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी, एग्जाम्पल लेके चले थे कि एक कैंडिडेट है जिसने हिस्ट्री, हिंदी, होम साइंस पढ़ी हुई है, तो ये हिस्ट्री पढ़ ली और पेडागोजी ऑफ हिंदी पढ़ ली, तो SST का उन्होंने एग्जाम देना है, तो SST का एग्जाम, सॉरी पेडागोजी ऑफ SST के लिए पहले एलिजिबल होना है। इट मीन्स पहले उन्होंने एक सोशल साइंस और पढ़ ली है, उसके बाद अब पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का बीएड का एडिशनल का पेपर देंगे। तो वो पेपर देने से पहले अच्छा एक बात शायद बाद में याद आए, जो एडिशनल पेपर आप देते हो उसके मार्क्स जो है काउंट नहीं होते जब गवर्नमेंट जॉब मेरिट बनाती है, तो ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। इट मींस आप रिलैक्स होके, मतलब मिनिमम 50% लेने हैं, ये नहीं है अगर किसी स्टेट ने 55 रखे हैं तो उतने लेने हैं, लेकिन हायर मार्क्स की एलिजिबिलिटी नहीं बनती। दैट इज़ वाई कई घबराते हैं कि मैथ्स का एडिशनल मैं कैसे दूंगा, दिए जा सकते हैं, सेमेस्टर का और भी आसान हो जाता है। तो बीएड में अब आपने एग्ज़ाम देना है तो ये एलिजिबिलिटी कॉलेज भी चेक करेगा और यूनिवर्सिटी भी चेक करेगी कि जो NCT नॉर्म्स हैं वो पूरे कर रहे हैं हिस्ट्री के, सॉरी SST की पेडागोजी के लिए एलिजिबल होने के लिए 13 सोशल साइंस में से 2 पढ़े होने चाहिए, ये कॉलेज पहले देखेगा और यूनिवर्सिटी बाद में देखेगी। तो एलिजिबिलिटी नेचुरली है कि आपने BA के ग्रेजुएशन के दे दिए हैं इसलिए आप BEd के दे रहे हो। कई बार ऐसे भी होता है कि आपके कॉम्बिनेशन बड़े बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है, आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, बीएड में आपने मैथ्स और इकोनॉमिक्स ले लिया, अब आप एडिशनल पेपर कंप्यूटर साइंस का देना चाहते हैं और कंप्यूटर साइंस नेचुरली आपने 3 साल के लिए पढ़ी हुई है बीए में, तो जब BSc में, तो ऐसे में आपको पहले ही आप एलिजिबल हो, बस आपने बीएड के एडिशनल पेपर देने हैं। तो उसके लिए बेसिक क्या है, एलिजिबल हो गए, पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा है हमारा पॉइंट कि फॉर्म कब फिल किए जाते हैं, सेमेस्टर सिस्टम वालों के ये अगस्त में फॉर्म फिल होते हैं बीएड के, और एनुअल के जनवरी और अगस्त में होते हैं। ये इनिशियल स्टेज में आपको पता कर लेना चाहिए। मैंने नंबर पिछले वीडियो में भी दिया था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी का, 01832823057, यहाँ पर मैंने ये इसी यहाँ से ही इंक्वायरी करके आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ। तो ऑफलाइन से हो रहे हैं दोनों फॉर्म फिल, कभी कभी ऑनलाइन भी हो जाते हैं इसलिए पता कर लेना चाहिए। हाँ, फीस जो है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ गया आपका, इंटर्नशिप लगती है, तो आपकी फीस जो बीएड के एडिशनल की है 2 तरह से पे होती है, एक तो कॉलेज को पे होनी है, कॉलेज को, ठीक है, कॉलेज, ये पहला स्टेप होगा, प्रोसीजर में भी आओगे ना, पहले आपने कॉलेज में जाना है क्योंकि कॉलेज में आपका पेडागोजिकल सब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस है, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आप ले रहे हो है, होम साइंस है, वो होना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए कि जहाँ से आपने की है, अगर आपके रिश्ते अच्छे बन गए हैं, अदरवाइज फीस बताता हूँ उसके मुताबिक आप चेंज भी कर सकते हो। कॉलेज में, कॉलेज, कई कॉलेज 5,000 लेते हैं एडिशनल की फीस, कई 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 5,000 से 10,000 फीस एडिशनल की है। तो कई प्राइवेट कॉलेजेस ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ी मतलब हेल्प, कई बार कहते हैं कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, नॉर्मली कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, कोई घबराने की बात नहीं है, आपने जस्ट एक पेपर देना है। इंटर्नशिप जो लगती है नॉर्मली उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो जहाँ अगर आप टीच कर रहे हो वहाँ भी से भी चल जाता है। तो ये पहले कॉलेज से बात करनी है आपने, इंटर्नशिप मेरी कैसे लगेगी और मेरी फीस टोटल कितनी होगी। तो एनुअल की भी ऐसे ही 5,000 से 10,000 के बीच कॉलेज चार्ज करेगा।
कॉलेज में आप जाते हो, फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करके अटेस्ट करवाते हो। ये प्रोसीजर मैं यहाँ बताऊंगा कि पहले अटेस्ट करवाते हो, पैडागोजिकल सब्जेक्ट और कंडीशन पूछते हो, इंटर्नशिप कब लगेगी, ये सब कुछ पूछते हो। इसके बाद ये कॉलेज का पूरा प्रोसीजर हो गया, आपकी फ़ोटो अटेस्टेशन प्रिंसिपल ने साइन कर दिए, आपकी एलिजिबिलिटी उन्होंने चेक कर ली। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी जाते हो, जहाँ यूनिवर्सिटी की फ़ीस है प्रैक्टिकल की, इसकी 6200 अगर आप सेमिस्टर सिस्टम में है, क्योंकि ये पेपर दो बार होने हैं। अगर एनुअल में है तो आपकी फीस होगी 4500 बीएड की। ठीक, तो प्रोसीजर अब क्या हो गया ये पता चल गया है। पहले कॉलेज में जाना है, अटेस्टेशन वेरिफिकेशन होके उस बाद में यूनिवर्सिटी में खुद विजिट कर दीजिए। बाय पोस्ट भी हो जाता है, लेकिन थोड़ी कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो ये विजिट, आपका प्रोसेस ऑफ विजिट, मिनिमम बीएड का एडिशनल देना है। एक विजिट तो आपकी लगती है जब आपने फॉर्म फिल करना है, लग जाती है। दूसरा, जब आपका रोल नंबर आता है, दूसरी है रोल नंबर आता है, रोल नंबर से पहले वो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मांगते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप 20 डेज की या 30 डेज की आपने लगानी होती है। तो वो आप लगाते हैं नहीं लगाते, कॉलेज के आपके क्या बात होती है, ये डिफरेंट बात है। नॉर्मली 99% रिलैक्स करके करवा देते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी को पहुंचना चाहिए। तो रोल नंबर का टाइम आ जाता है, वो सर्टिफिकेट नहीं पहुंचता, तो आप बाय हैंड नॉर्मली ऐसे होता है कि आप सर्टिफिकेट कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी में जमा करवाते हो, रोल नंबर ले लेते हो। इसमें टेंशन की बात नहीं है। इट मींस एक प्लस एक, दो विजिट आपकी यूनिवर्सिटी में लगेगी, तो एनुअल में भी एक प्लस एक लगेगी। ठीक, हाँ, सेमिस्टर सिस्टम है तो प्रोबेबिलिटी तीन की हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग बीएड ही बीएड का एडिशनल पेपर दे सकते हो? नहीं, नो, इसका आंसर है आप नहीं दे सकते। बीएड करने के बाद ही ये पेपर दे सकते हो। अदर यूनिवर्सिटी से बीएड की है तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कर सकते हो, इसका आंसर भी है नो, आप नहीं कर सकते, क्रॉस है। तो माइग्रेशन हाँ, हर हालत में चाहिए। अगर आप किसी बीएड करने के बाद कहीं और माइग्रेट हो चुके हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फिर लाना पड़ेगा, तो माइग्रेशन के बिना नहीं होगे, माइग्रेशन की ज़रूरत है, ये यस कर दिया। सिलेबस कौन सा होगा? सिलेबस सेमिस्टर सिस्टम वालों का लेटेस्ट सिलेबस होगा, जो अभी सेम चल रहा है, वही एग्ज़ाम वही पेपर उनको आएगा। तो जो सिलेबस एनुअल वालों का, उनकी थोड़ी प्रॉब्लम है, वो जब लास्ट एनुअल से ये जो एनुअल से एनुअल यहाँ लिख दिया से सेम में कन्वर्ट हुआ था, तो वो एनुअल वाला वो कब हुआ था? 2014-15 का सेशन एनुअल था, तो 2014-15 वाला सेशन का सिलेबस के बेस पर पेपर एनुअल वालों को आएगा, ये याद रख लेना चाहिए, यहाँ नोट कर लेना चाहिए। अच्छा, एग्ज़ाम एग्ज़ाम तो इंटर्नशिप भी है वो पहले लग जाएगी। एग्ज़ाम कब होंगे? दिसंबर में आपके सेम वन और सेम थ्री के होंगे। नेचुरली एक पेपर आपका सेमिस्टर सिस्टम वालों बीएड वालों का, एक पेपर सेम वन में आपका होगा, तो एक पेपर आपका फर्स्ट में हो गया। ठीक है, ये थ्योरी पेपर होगा, टीएच लिख दिया यहाँ पर, थ्योरी नीले कलर से लिख देता हूँ, ये नहीं यहाँ पर, हाँ ये थ्योरी हो गया। ठीक है, और सेकंड थ्योरी होगा मई में, सेम सेकंड में का ये थ्योरी एक हो गया टीएच, और थर्ड सेम में आपकी लगेगी, यहां लिखने लगा हूं इंटर्नशिप, इंटर्नशिप। फोर्थ सेम में आपका कुछ नहीं है, तो एक हो गया दिसंबर में आपके चलते हैं फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो थर्ड की दिसंबर में आपकी लग गई प्रैक्टिस, और फर्स्ट में आपका हो गया थ्योरी का फर्स्ट पेपर, पैडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस या सॉरी पैडागोजी ऑफ एसएसटी, जो भी आपने देना है। और दूसरा मई में होगा सेकेंड सेम का, जिसमें पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस, ये बात मेरे ख्याल में क्लियर होगी होगी। फोर्थ सेम से आपका कोई लेना देना नहीं है, फोर्थ सेम में पैडागोजी का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। नॉर्मली आपने ब्रीफ में जो सिंपली समझना है,
तो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के आपके थ्योरी के पेपर होने हैं, फर्स्ट के दिसंबर में और सेकंड के मई में, और इंटर्नशिप दिसंबर में साथ में ही लग जानी है। ये था बीएड का एडिशनल। वो सभी विद्यार्थियों को ये कर लेना चाहिए कि जब अगर वो एलिजिबल ऑलरेडी हैं, एक एडिशनल सब्जेक्ट बीएड का दे के उनके लिए एलिजिबल हो जाना चाहिए, जब गवर्नमेंट पोस्ट निकलती है तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब बढ़ जाती है। अगर आप किसी भी, हो सकता है आपने बीएड की हो और किसी भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, या अच्छे सब्जेक्ट के लिए जिसमें पोस्ट ज़्यादा निकलती है एलिजिबल ना हो, दैट उनके लिए एडिशनल पेपर देना उनके लिए गाइडेंस ज़रूरी है। आपका इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, यूनिवर्सिटी का नंबर जो दिया था वहाँ से सीधा भी पूछ सकते हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। रिलेटेड वीडियो के लिंक नीचे दिए गए हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, चेंज क्या होते रहते हैं, कैसे तैयारी उनके लिए अच्छी करनी है, तो वो नीचे वीडियो दिए गए हैं, आप देख सकते हो। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।